और लोनी के विधायक की भी गाड़ी यहाँ पे घूम रही है, कान खोल कर सुन ले, अन्यथा ना ले। अगर किसी ने कोई अब सब जरूर लेने का प्रयास करा तो इलाज कर देंगे इनको, पुलिस प्रशासन कंट्रोल कर ले, तुरंत याद हटावे। 10 मिनट के अंदर अगर धरने के सामने से कोई ना हटे तो जिम्मेदारी आपकी होगी। पुलिस प्रशासन कान खोल के एक बात सुन ले कि जो ये षड्यंत्र चल रहा है इसको हम समझ चुके हैं, धैर्य रखे हुए हैं। जो सामने नौटंकी कही जा रही है आगे विधायक द्वारा, जवाब देना जानते हैं, किसान के बच्चे हैं। पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कंट्रोल कर ले। और प्रेस के सामने भी कह रहा हूँ कि आप जाइए सड़क पे, विधानसभा के पास लगी हुई गाड़ियां खड़ी है, ये षड्यंत्र किसका है, आप में हिम्मत है तो कवर करिए और दिखाइए। हमारा आंदोलन जारी था और मीडिया भाइयों कहीं ना कहीं आप किसान के परिवार से आते होंगे, आपकी भी आत्मा आपको पूछती होगी रात में, कब राकेश सिकेत जी ने कह दिया कि सरेंडर करने जा रहा हूं, वो कोई अपराधी नहीं है, हम तैयार हैं, पुलिस को नहीं चलावे, हम देखे गिरफ्तारी करे जो करे, लेकिन हम सरेंडर करने नहीं जा रहे हैं, हम कोई अपराधी नहीं है, धरना हमारा जारी रहेगा। मतलब आपने आपकी आत्मा क्या कहेंगे आपको, आप गलत खबरें जो भी चला रहे हैं सबके लिए नहीं है, उन्हें भी थोड़ा सीखना चाहिए। ये किसान आंदोलन का इतिहास लिखा जाएगा, अगर आप भी उसमें गद्दार साबित हुए तो ये इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। धन्यवाद किसान भाइयों। कई महीनों से आपके चरणों की सेवा करने का मौका मिला है, पूरी कमेटी के साथ मार्गदर्शन में जगतार सिंह बाजवा, तेजेंद्र सिंह बिर्क और हमारे मान साहब के चरणों में। आज हम प्रशासन के साथ कोई बदतमीजी नहीं करेगा, आए चाहे बैठ जाए, हम जितने भी मंच पर सबसे पहले गिरफ्तारी देंगे सख्त में। और आप लोग, ये आंदोलन खत्म नहीं है, जब हम जेल से आएंगे ये आंदोलन फिर भी चला है, आज चला है कल चलेगा, 2022 में चलेगा, इस सरकार को 2024 में दिखाएंगे आंदोलन की धूम हम दिखाएंगे। और हम जिंदा रहो साथियों, मिलेंगे इसी घर के साथ। किसान अब आमने सामने हैं, हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से किसान नेता लगातार अपील कर रहे हैं कि आंदोलन को जारी रखना है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर आंदोलन जारी रखा जाएगा, पुलिस के साथ कोई यहां पर झड़प नहीं होगी, कोई उनकी प्रतिक्रिया नहीं दी जाएगी, बल्कि आंदोलन को जैसे पहले शांतिपूर्ण ढंग से चलाया जा रहा था वैसे ही आगे चलाया जाएगा। खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरह से आज पुलिस प्रशासन और किसान आमने सामने हैं, लगातार प्रशासन कह रहा है कि किसान अब अपना आंदोलन खत्म करें, धरना समाप्ति के निर्देश दिए गए हैं। गाजियाबाद में भी ऐसी तस्वीर है, दिल्ली में भी जिस तरह से आज किसान लगातार टिके हुए हैं, उसके बाद अब यहां पर तैनाती की गई है। जरा सा ले लो यार। नहीं नहीं, लेकिन अगर प्रशासन सरकार आपसे अपील करता है कि यहाँ पर जो आप भी खुद कह रहे हैं कि असामाजिक तत्वों की आपने भी बात की, अगर कहा जाता है कि यहाँ ऐसा इनपुट है तो आप लोग खाली करें, आप तो जानते हो ना, बातचीत करते बातचीत सर। जैसे रात को बात करते जो घटना हुई है, लगातार अंधेरे की वजह से बोर्ड खाली करवाया गया था सर, बॉर्डर उस पर आपका क्या कहना है? और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी आए जो आस पड़ोस के थे, उनका ये कहना था कि हमको अभी तक कोई आपत्ति नहीं हो रही थी, लेकिन पिछले जो है 2-3 दिनों में जिस तरीके की तस्वीरें आई हैं खासतौर पर लाल किले से, उससे सपा नहीं सहेगा, हिंदुस्तानी तरीके के नारे लग रहे हैं। यहाँ पर जो कई लोग आए हुए हैं, जब अनाज तिजोरी में चला जाएगा जब पता चला। सर यहाँ पे लोकल जनता भी बाहर निकल के आई, वो अपना भाई मोबाइल चेक करने यार, हेलो, कल तिरंगे का अपमान हुआ 26 जनवरी पे, तो अभी क्या कहना सर इसके बारे में? अभी आप लोग किससे बात करने जा रहे हैं? अभी किससे बात? मैं तो घूम आया हूँ, बात की नहीं नहीं, आप एक बार देख रहा हूँ ना। हाँ, तो प्रशासन की तरफ से आपको कोई जानकारी मिली है? अभी आएंगे प्रशासन के लोग, आएंगे तो उनसे बात करेंगे। अभी तक कोई आया नहीं, आप आगे किसी से बात नहीं हुई? अभी आधा घंटे में दे दूंगा। अरे एक बात तो बताओ, मेरे वो यहाँ के धरने के चारों तरफ उन्हें छोड़ते हैं, ठीक है, तो ये कहीं के लिए यहाँ पर आए, उस तरह का जो माहौल बनाना चाहते हैं वो पूर्ण रूप से गलत चीजें हैं। यहाँ हम भी भाई लाल किले पे कौन लोग थे, सुप्रीम कोर्ट के जज उसकी जांच करे, ये हमारी डिमांड है, उसके पूरे 2 महीने के कोर्ट डिटेल निकाल ले जाए। ये
हमारी डिमांड है कि लाल किले पे किसने वो जो झंडा लगाया है वो कौन आदमी है। कोई सरेंडर नहीं है, ये धरना यहाँ पर चल रहा है, धरना के बाद उसको डर रहेगा। यहाँ पे कुछ चीज होगी तो आपको यहाँ से गांव के लोग हम बुलाएंगे, गांव के लोग यहाँ पाएंगे। शांतिपूर्ण बहुत हमारा चल रहा है। ठीक है, अरे ठीक है, ये यहाँ से 15 मिनट में धरना स्थल खाती कर रहा है, यहाँ का अभी छोड़ दो नहीं जब तेरा बहुत भयंकर है। यहाँ मन का भी लग रहा है, मतलब कोशिश कर रहा। लाल किला पर प्रेसी लग रही है आप लोगों को? लाल किले से ये लगा हुआ है कि वहाँ पे कौन लोग थे उसकी पूरी जांच हो। उस आदमी की जो दीप शत्रु है सिंधु है वो किसके साथ में उसका कनेक्शन है वो देश के सामने आना चाहिए, उसकी सुप्रीम कोर्ट से उसकी जांच हो, ये हमारी डिमांड है। ठीक है जी, ये हमने कहा है। लाल किले पे ये लगा हुआ है कि वहाँ पे कौन लोग थे उसकी पूरी जांच हो। उस आदमी की जो दीप शत्रु है सिंधु है वो किसके साथ में उसका कनेक्शन है वो देश के सामने आना चाहिए, उसकी सुप्रीम कोर्ट से उसकी जांच हो, ये हमारी डिमांड है। ठीक है जी, ये हमने कहा है। जिसने भी करा है गलत करा, तिरंगे का कोई अपमान सहन नहीं करेगा। न तिरंगे का वहाँ पे हुआ, उसके नीचे धार्मिक फ्लैग लगाया है वो पूर्ण रूप से गलत है, हम उसकी निंदा करते हैं। जो संगठन था उसको कोटेशन कमेटी से ना हिस्सा था ना था, उसको निकाल दिया वहाँ से और पंजाब में उसका बहिष्कार करा है पूरे समाज ने, जो इसने की कौम को बदनाम करने की कोशिश करी। और जिस तरह से जो षड्यंत्र रचा जा रहा कि बीजेपी के विधायक और एमएलए लगा के हम ये धरने खत्म करवाएंगे, कल से अगर कौन ये करे कि भाई आप भी ये काम करो, मतलब हिंसा करवाना चाहते हैं ये तो अपना बुराई मेहरबानी करके जो उस विचारधारा का लोग हैं वो यहाँ पे ना है इसके आसपास। अभी बात कर ले जब बताएंगे भाई, सब लोग बैठ रहा अभी बैठ चुके भाई। सुनो, चौथा लंबा दिखाया है ये क्या, हमें प्रशासन ने बता नहीं आपको कहां से खबर लगी? बैठो भाई बैठो बैठो, आपको कहां से खबर लगी? हमें प्रशासन बताया ना, ढूंढ रहे तू वैसे प्रशासन। बैठो भाई बैठो, सब साइड में बैठो भाई। साथियों सुनो, 64 दिन जो आपने अनुशासन अपना दिखाया है, आज अनुशासन की एक बांध की और इस प्रशासन के सामने प्रस्तुत कर दो। एक नारा लगाऊंगा, उस नारे के साथ ही जो बहादुर किसान साथी है जहां भी है वहीं पर बैठ जाना। किसान एकता, जो जहां है वहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ उससे, बैठ जाओ एकदम आगे पीछे तक बैठ जाओ, उसको दीवार पे हम वहीं बैठ जाओ। बाबा टिकेश के अनुयायी बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। साथियों, आंदोलन जारी रहेगा। आपके सामने संगठन के बड़े पदाधिकारियों ने आपको पूर्ण रूप से बता दिया के संगठन जारी रहेगा। और ये बात सुनो, रामायण आप सबने पढ़ी है, देखी है, सुनी है। बाली ने कहा था कि हे राम, तुमने मुझे बल से नहीं छल से मारा है, हमारे साथ छल हुआ है। साथियों, हमारे साथ छल हुआ है, कोई बात नहीं, धैर्य रखो,
धैर्य रखो किसान बहादुरों, धैर्य रखो, आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। वीरों सुनो, हमारे बीच से इन 64 दिनों में हमारे जिगर के टुकड़े, हमारे लाल, हमारे बहादुर साथी हमारा साथ छोड़कर चले गए। आज उनकी रूहें, उनकी आत्माएं प्रत्येक बॉर्डर पर देख रही है क्या नजारा किया जा रहा है आपके साथ, और आप पर भरोसा रखती है कि बहादुरों हम दुनिया छोड़कर चले गए तुम्हारे लिए, और तुम इस आंदोलन को जारी रखना हमारे लिए। साथियों, धैर्य का परिचय देते हुए जो जहां है वहीं बैठ जाओ, आपने आंदोलन को बहुत बहादुरी से चलाया है आज तक। मेरा आपसे निवेदन है कि बैठ जाओ, के हाथ जोड़े क्यों खड़े हो हादसों के सामने, और हादसे कुछ भी नहीं है हौसलों के सामने। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। साथियों, अब आपके सामने उत्तर प्रदेश के युवा विंग के अध्यक्ष चौधरी दिगंबर सिंह जी अपना वक्तव्य रखेंगे। आप ध्यान से सुने, जहां है वही बैठ जाए। अभी न हो रही गिरफ्तारी। किसान बिरादरी के सरदारों, नौजवान साथियों, बार बार आपसे निवेदन इसलिए किया जा रहा कि सब लोग बैठो। ये प्री प्लान करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमको बदनाम करने का काम किया। आज भी भाजपा के विधायक, लोधी सदर विधायक यह खड़ा हो पाया गया 100 लोगों के साथ। कोई अपने लोग हमारे बीच में घूम कर हिंसा कराना चाहते हैं। मैं सभी इस आंदोलन के समस्त भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि विचारों को कभी तालों में कैद नहीं किया जा सकता। अगर ये टिकट सामने, जैसा कि आप लोगों को बताया कि ये आंदोलन जारी था, जारी है और जारी रहेगा। आज अगर प्रशासन इस आवाज को जेल की दीवारों में बंद करना चाहता है तो विचार कभी जेल के अंदर बंद नहीं हो सकता। इस देश की जेल को भरने का काम इस देश का किसान करेगा। इस देश की जेल को भरने का काम इस देश का किसान करेगा। ये विचार, ये आंदोलन जारी था, जारी है और जारी रहेगा। ये तीन काले कानून जब तक वापस नहीं होते तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आप लोग केवल अनुशासन का और शांति का परिचय दो। हमें किसी अधिकारी के साथ, किसी अपने जवान के साथ कोई बदतमीजी नहीं करनी है। विचार का ये आंदोलन किसी जेल के अंदर बंद नहीं हो सकता। हम अहिंसा के पुजारी हैं, हम गोरसे के पुजारी नहीं हैं। हम गांधीवादी तरीके से इस लड़ाई को जीतेंगे और इन गोरसे वालों को जवाब देने का काम करेंगे। जिस तरह से आज जयपुर के अंदर सर्वोच्च न्यायालय पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराया जाता और वो फिर भी राजभाग, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराने के बाद जनगणमन होता और मीडिया ये दिखाती गाजीपुर बॉर्डर खाली हो गया, ये शर्मनाक है। साथियों, सोशल मीडिया के लोगों ने और अपने जिन पत्रकार भाइयों ने सहयोग किया उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यह आंदोलन खत्म नहीं होगा। बस केवल आपसे एक ही अपील है कि आप लोग जो आंदोलन के हिमायती हैं वो शांति के साथ बैठ जाए, अनुशासन का परिचय दे। पुलिस लाठी अगर हमें मारती है तो हम लाठी खाने का काम करेंगे। पुलिस गोली चलाती है तो हम छाती लड़ाने का काम करेंगे। पुलिस की तोपों में जितनी गोली है वो गोलियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन किसान की छाती कम नहीं होगी। किसान के लहू से जितनी दिल्ली को प्यास बुझानी है दिल्ली के सत्ताधीनों को, किसान उतना लहू देगा। लेकिन इस देश को, इस देश, इस अन्नदाता की रोटी को, इन सब किसान भाइयों ये प्रतिज्ञा कर लो कि रोटी ताले के अंदर बंद नहीं होने दी जाएगी। ये आंदोलन चलेगा और पार का चलेगा। आज की आपकी सूचना के बाद मुजफ्फरनगर जनपद के अंदर सारे थाने किसानों की गिरफ्त में है।
कोई थाना बचा हो नहीं, कोई भी काम होगा प्रशासन यहाँ आया, प्रशासन बता रहा है कि क्या क्या चाहते हैं प्रशासन के लोग। हम हटकर जाने वाले नहीं है, शांति पूर्वक अगर कहना नहीं आता प्रशासन ये चाहता हम जेल जाने के लिए तैयार है, लेकिन जेल के अंदर भी आवाज दबेगी नहीं। जिस दिन जेल का ताला खुलेगा उस दिन फिर आंदोलन होगा, और ये वतन आपके हवाले साथियों, अगर गिरफ्तारियां होती है तो यह आंदोलन की धार कमजोर नहीं होनी चाहिए। जेलों के अंदर जेलें भर जानी चाहिए, जेलें छोटी पड़ जानी चाहिए। जब जब महात्मा टिकैत के आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया तब तब महात्मा टिकैत ने गिरफ्तारियां दी, और जेल जाने के बाद आप लोगों ने सहयोग किया और जेल भरे आंदोलन हुए और सरकारें वापस आई हैं, सरकारों को घुटने टेकने पड़े हैं। धन्यवाद किसान साथियों, जय जवान जय किसान। साथियों अभी प्रशासन जब यहाँ आए हैं, प्रशासन के लोग एडीएम साहब के नेतृत्व में